एक दफा एक गांव के अंदर एक चूहा और एक गधा रहते थे। चूहे का नाम मियां था और गधे का नाम मैक्स था। वो दोनों यारों के यार थे, बेस्ट फ्रेंड थे, एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार थे, इतने जिगरी यार थे ये दोनों। एक दिन गांव के अंदर टहलने निकले, घूमने निकले, तो चूहे को एक बोर्ड नजर आया। उस बोर्ड पे लिखा हुआ था कि पास वाले गांव के अंदर अगले हफ्ते एक फ्रीलांसर की कॉन्फ्रेंस होने वाली है। वहां पे बहुत सारे फ्रीलांसर्स जमा होंगे, अपने स्किल्स को दिखाएंगे, वहां पर आगे शोकेस करेंगे। चूहा बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया। उसने गधे को कहा कि यार यहाँ पे जाना है, यहाँ पे आके देखे तो सही कि होता क्या, ये कौन सी दुनिया है, ये कौन से लोग हैं और ये लोग क्या करते हैं। ऐसा ही हुआ, दोनों ने डिसाइड करा कि चलो चलते हैं और देखते हैं कि इस फ्रीलांसिंग की कॉन्फ्रेंस में आखिर होता क्या है। अगले ही हफ्ते दोनों, वो चूहा भी, मियां भी और मैक्स भी, दोनों उस कॉन्फ्रेंस में पहुंचते हैं और देख के उनको हैरत ज़दा रह जाते हैं। इतने लोग सर ही सर उनको नजर आ रहे होते हैं। वहाँ पे राइटर्स आए हुए होते हैं, वहाँ पे वीडियोग्राफर्स आए हुए होते हैं, वहाँ पे वीडियो एडिटर्स आए हुए होते हैं, वहाँ पे अच्छे बोलने वाले आए हुए होते हैं, वहाँ पे अच्छे लिखने वाले आए हुए होते हैं। दोनों देख के हैरान हो जाते हैं, यार ये तो दुनिया ही अलग है। गधा क्योंकि अपने हार्ड वर्क की वजह से पहचाना जाता था गाँव के अंदर, गधा अपने हार्ड वर्क की वजह से गाँव के अंदर मशहूर था। उसने कहा कि यार ये काम मुश्किल है, लेकिन मैं काम करना जरूर चाहता हूँ, अपनी जिंदगी में मैं ट्राई जरूर देना चाहता हूँ कि ये मुश्किल काम है। मैंने जिंदगी भर मुश्किल काम ही तो किए हैं, मैं लोगों का वजन उठा उठा के पूरे गांव से दूसरे गांव गया हूँ, एक दफा ये भी करके देखो। दूसरी तरफ चूहा जो गांव के अंदर अपनी क्विक थिंकिंग की वजह से मशहूर था, उसने कहा कि यार अगर हम ये करने में कामयाब हो गए तो मुझे लगता है फ्रीलांसिंग के साथ फ्रीडम भी आता है, हम आजाद हो जाएंगे, हम किसी और के लिए जो काम करते हैं इस गुलामी से हम निकलने में कामयाब हो जाएंगे। अगर हम ये इस जर्नी को पास करने में कामयाब हो गए, हम कामयाब होंगे कि नाकाम होंगे, चूहे ने गधे से कहा, मुझे तो नहीं पता लेकिन ट्राई जरूर करते हैं, देखते हैं कि होता क्या है। और दोनों ने उस फ्रीलांसिंग की कॉन्फ्रेंस के अंदर एक इरादा कर लिया, एक तैया, एक पुख्ता इरादा कर लिया कि भाई जान ये फ्रीलांसिंग की जर्नी हम ज्वाइन करेंगे। वो वापस अपने गाँव की तरफ गए तो उनको एक उल्लू नजर आया। एक पेड़ के ऊपर एक ओल्ड उल्लू, एक बूढ़ा उल्लू जो है वो बैठा हुआ था। उसने कहा कि ये जो था, चूहा कहता है कि मैंने सुना है इस उल्लू के बारे में कि ये अपनी जवानी में फ्रीलांसर रह चुका है, चलो जरा इसके पास चलते हैं, इससे पूछते हैं क्या वाकई में फ्रीलांसिंग करनी चाहिए, इज इट वर्थ इट और नॉट। वो दोनों उस उल्लू के पास जाते हैं, कहते उल्लू मियां, मैक्स भी और मियां मैं भी दोनों जो है वो फ्रीलांसिंग करना चाहते, अभी हम एक कॉन्फ्रेंस से वापस आना, हम बताएं इज इट वर्थ इट, क्या वाकई में करनी चाहिए। तो उल्लू उनको एक कहानी सुनाता है। उल्लू कहता है कि एक दफा का जिक्र है कि मैं भी आम परिंदों की तरह एक परिंदा था, मैं भी दूसरों के लिए काम करता था, लेकिन एक दिन मैंने ये रियलाइज करा कि यार ये जो मेरे अंदर ना कुछ एक्स्ट्रा एबिलिटीज है, मेरे अंदर कुछ एक्स्ट्रा काबिलियत है, क्यों ना मैं फ्रीलांसिंग की जर्नी में आऊं, क्यों ना मैं फ्रीलांसिंग शुरू करूं। उन्होंने कहा ये वो दिन था जिस दिन मैं फ्रीलांसर बना, मेरी सोच ने मुझे फ्रीलांसर बना दिया। उल्लू ने मजीद उन दोनों को बताया कि जब आप फ्रीलांसिंग की दुनिया में आते हैं, जब आप फ्रीलांसिंग की जर्नी में आते हैं, फ्रीलांसिंग आपको अलाउ करती है कि आप उस प्रोजेक्ट पे काम करें जो आपकी एक्सपर्टीज और आपके पैशन के साथ मैच करता है। उल्लू ने मजीद बताया फ्रीलांसिंग आपको फ्रीडम देता है। उल्लू ने मजीद बताया कि फ्रीलांसिंग आपको ये अलाउ करता है कि आप दुनिया में जहां भी हो वहां से काम कर सको, आप पे लिमिटेशन नहीं रहती। उन्होंने कहा कि फ्रीलांसिंग के जरिए, फ्रीलांसिंग करते हुए आप अपने स्किल्स को मजीद पॉलिश कर सकते हो। उन्होंने ये भी बताया कि फ्रीलांसिंग करते हुए आप अपना शेड्यूल खुद डिजाइन करते हो, जब आपको ब्रेक लेना हो आप ब्रेक ले सकते हो, मतलब फ्रीलांसिंग आपकी जिंदगी को बदल के रख देती है। चूहा और गधा बहुत गौर से उस उल्लू की बातें सुन रहे थे, जिस तरीके से आप मेरी बातें सुन रहे, इसी तरीके से, इसी गौर के साथ, इसी फोकस के साथ गधा भी और चूहा भी दोनों बातें सुन, उनकी उल्लू की बातें सुन के गधे के और चूहे के, मैक्स और मियां की आंखों में एक चमक, एक उम्मीद की चमक आई कि यार हम भी ये काम कर सकते हैं, हम भी फ्रीलांसिंग की जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं। और वो दिन था जब मैक्स और मियां दोनों ने तहिया कर लिया, अब हम फ्रीलांसिंग करेंगे। और उस कॉन्फ्रेंस से आने के बाद उन दोनों ने अपने स्किल्स को पॉलिश करना शुरू करा, मैक्स ने भी और मियां ने भी, और नई नई स्किल्स भी सीखना शुरू करी, जो उनके पास पहले से थी उनको पॉलिश करना शुरू करा, और जो नहीं थी वो स्किल्स उन्होंने सीखना शुरू करी, और वो दोनों एक कामयाब फ्रीलांसर बन गए। जब वो कामयाब फ्रीलांसर बने तो दोनों एक दिन बैठे हुए थे गांव के अंदर, आपस में बात कर रहे थे, दोनों बूढ़े हो गए थे,
उन्होंने कहा कि यार हम दोनों कामयाब फ्रीलांसर बने, हम दोनों इंडिपेंडेंट हो गए, हम दोनों जो है गुलामी से आजाद हो गए, दूसरों के लिए काम नहीं करना पड़ा, तुझे जो है ना वो चीजें चुरानी नहीं पड़ रही, मुझे लोगों का वजन नहीं उठाना पड़ रहा, हम दोनों खुश हैं। हम गांव में जाते हैं और फ्रीलांसिंग सिखाते हैं, और जो परिंदे हैं और जो जानवर हैं उन सबको भी जो है फ्रीलांसिंग सिखाते हैं ताकि वो भी आगे बढ़े। तो चूहे ने कहा कि यार हम कामयाब तो हो गए, लेकिन जो जो चीजें हमारे बीच में हर्डल्स आए हम पहले वो बताते हैं लोगों। तो उन्होंने सोचना शुरू करा कि हाँ यार, उस रात जब हम कॉन्फ्रेंस से वापस आए थे उस उल्लू की बातें सुनने के बाद, और हमने जब शुरू के 3 महीने लगाए थे, हमारा कोई ऑर्डर नहीं आया, उसको अच्छे से याद है। चूहे ने कहा याद है तुझे, हमने फाइवर पे अकाउंट बनाया था। गधे ने कहा हाँ याद है, अपवर्क पर भी बनाया था। कहा गिग भी लगाई थी, हाँ कहा था गिग, हमने डिजाइन भी करना सीखी थी, हमें डिजाइनिंग नहीं आती थी। उन्होंने कहा लेकिन ऑर्डर नहीं आया था। उन्होंने कहा टाइटल भी लिखा था, डिस्क्रिप्शन भी लिखी थी, लेकिन पहला ऑर्डर नहीं आया था। बहुत मेहनत करने के बाद उसने गधे से कहा कि यार हमारा पहला ऑर्डर आया था। इस नई नस्ल को इतनी मेहनत करने की आदत नहीं, अगर ये मेहनत नहीं करेंगे ये फ्रीलांसर नहीं बन सकते, जिंदगी में आगे नहीं जा सकते। तो गधे ने कहा कि हमारा काम है सिखाना, हम चलते हैं, उनको बताते हैं, उनको सिखाते हैं, उनको समझाते हैं, अगर वो मेहनत करेंगे कुछ साल अपनी ज़िंदगी के अच्छे तरीके से फ्रीलांसिंग की दुनिया में लगा देंगे तो वो भी एक कामयाब फ्रीलांसर बन जाएंगे। दोस्तों ये कहानी हमें सिखाती है कि फ्रीलांसिंग आपको आज़ादी तो देता है, फ्रीलांसिंग आपको फ्रीडम भी देता है, फ्रीलांसिंग आपको आपके पैशन के साथ काम करने का मौका देता है, लेकिन ये टाइम भी मांगता है, ये एफर्ट भी मांगता है। ऐसा नहीं है कि आज आप फ्रीलांसर बने हो कल आपके अकाउंट में डॉलर आना शुरू हो जाएंगे। इस वीडियो का टॉपिक था वाई फ्रीलांसिंग। तो इसलिए फ्रीलांसिंग जरूरी है क्योंकि फ्रीलांसिंग आपको आपका मनचाहा काम करने की इजाजत देती है, फ्रीलांसिंग आपको दुनिया में कहीं से भी काम करने की इजाजत देती है, फ्रीलांसिंग आपको वो करने की इजाजत देती है जो आपका बॉस नहीं देता, जो आपकी जॉब नहीं देती। तो जितने भी लोग नौकरी कर रहे हैं, जितने भी लोग गुलामी कर रहे हैं, जितने भी लोग दूसरों का वजन उठा के दूसरों का बोझ उठा के घूम रहे हैं, उनको आज मैं दावत देता हूं पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग शुरू करें। पार्ट टाइम जो भी आपकी स्किल है, आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, आप अच्छे वीडियो एडिटर हैं, आप अच्छा बोल सकते हैं, आप अच्छा लिख सकते हैं, उस स्किल को बेचना शुरू करें मार्केट के अंदर। आज के दौर में मार्केट में सब बिकता है, याद रखिएगा, आज के दौर में 2023 में सब फ्री है और सब बिकता है। जिसको नहीं पता वो खरीदता है, और जिसको पता है वो फ्री में ले लेता है। आपको जो जो पता है वो फ्री में ले, यूट्यूब से लें, GFX मेंटर से लें, रियान अल्लाह वाला से लें, आजाद चाय वाला से लें, जहां से दिल कर रहे लें, लेकिन अपनी स्किल्स को बेचना सीखें। जिस दिन आप अपनी स्किल्स को मार्केट करना सीख गए, अपनी स्किल्स को बेचना सीख गए, उस दिन आप मिलियनेयर बन जाएंगे। पहले आप यहां से मिलियनेयर बनेंगे, फिर आप यहां से मिलियनेयर बनेंगे। अगर आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप जिंदगी में बहुत पैसे कमाना चाहते हैं, आपकी जिंदगी में जो गुरबत का बैरियर लगा है उसको अपने करियर से अगर आप तोड़ना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, अगर टिकटॉक फेसबुक पे देख रहे हो फॉलो कर ले। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, नेक्स्ट टाइम।